दोस्तों, मैं नदीम हनुमानगढ़ ब्लॉग चैनल की ओर से हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका डेंट किस तरह निकाला जाता है। नॉर्मल आप अपनी शॉप के अंदर किसी भी शॉप पर नॉर्मल जो डेंट होते हैं, जो कस्टमर आपके पास आते हैं, आप उनका डेंट निकाल सकते हैं। बड़ा ईजी प्रोसेस, बड़ा ईजी तरीका होता है। तो अगर आप फ्रेंड चाहते हैं कि टैंकी का टैंक, जो बाइक की टैंक होता है, उसका डेंट पड़ता है एक्शन के बाद, उसे किस तरह निकाला जाता है, इसकी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए टैंक में जो डेंट निकालते हैं उसकी वीडियो आपको ला कर दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम ये एक्टिवा स्कूटी आई हुई मेरे पास में, इसका दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ ये डेंट है। आज मैं इस डेंट को जो है ठीक करने वाला हूँ। और इसके अलावा और देखता हूँ कोई डेंट है या नहीं। एक फ्रेंड्स ये डेंट आपको दिखाऊँ, ये डेंट आपको दिख रहा है। और दोस्तों, एक डेंट है, थोड़ा लंबा सा है, इसे आज हम सही करेंगे। इसके लिए हमें एक प्लास्टिक का हैमर चाहिए होता है, क्योंकि प्लास्टिक का जो फ्रेंड हैमर होता है उससे लोहे के ऊपर निशान नहीं बनता और इसी तरह से डेंट जो है वो निकल जाता है। तो ये जो है मैंने हैमर आपको दिखाया है, प्लास्टिक का हैमर है। अब क्या करना है फ्रेंड, जिस तरफ डेंट है उसके उल्टी साइड से हमने इस हैमर के सहारे से धीरे धीरे उस पर चोट मारनी है जहाँ वो डेंट है, ताकि वो डेंट जो है उस तरह से होकर बाहर की तरफ निकल जाए, यानी कि अपने सही जगह प्रोसेसिंग में आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं हैमर के सारे धीरे धीरे मैं इस पर मार रहा हूँ ताकि ये जो निशान था ये जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ, आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जिनके पास स्कूटी होती है अक्सर वो जल्दी सीखने की कोशिश करती हैं, और इसके अंदर सीखने के चक्कर में कुछ लेडीज़ या कुछ जेंट्स जो होते हैं वो आपस में गिर जाते हैं या भिड़ जाते हैं, जिससे कि उस स्कूटी में डेंट पड़ जाता है। तो आप घर पे ही बड़े आसानी तरीके से इस डेंट को जो है आप सही कर सकते हैं, या अपनी मकैनिक की शॉप पर, आप जो अगर मकैनिक की शॉप पर काम करते हैं, अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप ऐसा हैमर रख के धीरे धीरे आप इससे चोट जाते हुए हैमर के सहारे से वो डेंट जो ख़त्म कर सकते हैं। और टैंकी का जो टैंक डेंट होता है बाइक का, उसकी प्रोसेसिंग कुछ अलग होती है फ्रेंड्स, उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ला दूंगा। अगर आपको उस वीडियो का कुछ देखने का या सीखने का आपको लगता हो कि ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसके लिए आपको जल्दी से उसकी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा। इसके बाद दोस्तों, आपने हैमर जो मारना है उसकी उल्टी साइड में मारना है जहाँ डेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि हैमर जब हम मारते हैं तो इससे उसकी उल्टी साइड में कुछ जगह उभर जाती है। तो उस उभरी जगह पर आपने धीरे धीरे चोट मारना है हैमर के सहारे से, जिससे कि उभरी जगह वापस नीचे हो जाए और डेंट जो डेंट था वो ख़त्म हो जाए पहले की तरह, वैसी जैसा पहला जो आपका टैंक या जो डिगी सीट कम था वापस वैसा हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने उसको धीरे धीरे मार रहा हूँ। तो आप फ्रेंड्स याद रखना, चोट ज़रा ज़ोर से नहीं मारनी है, चोट बिल्कुल हल्की हल्की मारनी है, क्योंकि हल्की हल्की चोट मारने से जो है उसका कलर वगैरह जो है वो नहीं उतरेगा और कलर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स कलर उतर भी जाए तो आप उसके ऊपर पेंट करवा सकते हैं, पेंट कराने के बाद में जो समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी, जो हल्का फुल्का पेंट उतरता है। ये दोस्तों, आपके सामने मैंने इसका डेंट जो है बिल्कुल फिनिश कर दिया। देखो, आपको बिल्कुल निशान नहीं दिख रहे हैं, आप गौर से देख सकते हैं। इस तरह से आपने धीरे धीरे जो है आपने हथौड़े के हैमर से जो है निशान को ख़त्म करना है जहां डेंट पड़ा हुआ है। बहुत इजी प्रोसेसिंग है, कोई आसान काम है, बिल्कुल कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसको दिल लगा के आराम से करेंगे तो फ्रेंड्स अपनी शॉप के ऊपर, अपनी मकैनिक गैराज पर, तो आप बहुत अच्छी तरह से किसी भी बाइक का जो डेंट है उसे जो है उसे बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आप दिल लगा के कोई काम करेंगे तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो काम में आप कामयाब होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी काम करें तो उसे दिल लगा कर करें, ताकि कस्टमर आपका ये काम देखकर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो। ये देखो फ्रेंड्स, इसके बाद में क्या करना है, अब कुछ दूसरा जो तरीका है वो तरीका बड़ा ईजी है। उसमें जो डेंट बड़ा होता है, जैसा कि जो लोहा होता है एक्टिवा का, उसमें अगर बहुत बड़ा डेंट है अंदर दबा हुआ है, तो आपने बड़े ईजी तरह से उसे सही कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब ये जो इज्जत है इसको मैंने बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया फ्रेंड्स, ये जो डेंट है। अब ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप
इस धीरे धीरे हाल लगा देखेंगे तो आपको उभरा हुआ हिस्सा और नीचे का हिस्सा दिख जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि ये जो है डेंट है ख़त्म हो चुका है। अब ये डेंट जो है आपको दूसरा डेंट भी दिख रहा है, ये भी मैंने यहाँ से धीरे धीरे हैमर के सारे से इसे ख़त्म कर दिया है, जिससे ये अब पता लग रहा है कि अब ये निशान आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है। अब इस बड़े निशान को, ये बड़ा जो जो ये डेंट है, इसे सही करने के लिए आपने क्या करना है, एक अपने हाथ को मुक्का टाइप बना लेना है, यानी कि हाथ को जोड़ लेना और वहाँ ज़ोर से मारना है आपने, क्योंकि डेंट बड़ा है। जैसे आप वहाँ ज़ोर से मारेंगे तो वो जगह बाहर निकल जाएगी और जो डेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेंटर में या जहाँ लोहा कमज़ोर होता है उस जगह पर आप अपने मुक्के के सारे या हाथ के सारे से वो डेंट को ख़त्म कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक मुक्का अगर जोर से यहाँ मारा तो इससे क्या हुआ, ये डेंट जो है एक्टिवा की डिग्गी का ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, एक्टिवा की डिग्गी के अंदर ऐसा बड़ा कोई डेंट हो तो आप उसे उल्टा करके एक जोर से मुक्का मारें और वो डेंट जो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैं मुक्का मार के भी सही कर रहा हूँ, इसलिए दो तरीके हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप मुक्का सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ जहाँ हार्ड लोहा है वहाँ मुक्का काम नहीं करेगा, वहाँ आपको प्लास्टिक का लोहा ही जरूरत पड़ेगी। अगर मुक्का मारेंगे तो फ्रेंड्स आपको हाथ चोट लग सकती है और आप फिर चोट लगी एक मैकेनिक को काम कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक तरीका, एक बार अगर अपने शो पर करके देखें कि इसमें आपको कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, अगर दिक्कत आई तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके का कैसे किया जाता है और इसके लिए हैमर कहां से खरीद सकते हैं, आपको कहां अवेलेबल हो सकता है, इसकी भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अगर इस तरह की उनके पास कोई स्कूटी या बाइक आती है तो उसका डेंट निकाल सकें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई नई वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।